भाई मैं हूं सुमित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। भाई ये है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। भाई ये मैंने खोल दिया इसका बूट स्पेस और यार इसका ये जो टेल गेट है ना, जैसे ये लगा नहीं है मतलब, और इसको थोड़ा सा ऐसा करो मतलब बहुत प्यार से जो है पूरा ऊपर जाता है। ये इसका 200 लीटर के आसपास कुछ बूट स्पेस होगा। और क्यों भाई बूट स्पेस में सामान कितना आ जाता है इसमें? अभी एक दो सूटकेस आ जाते हैं, बड़े बड़े रख दो तो क्या लगता है मतलब बूट स्पेस ज़्यादा है कि कम है? कम ही है। चलो इसको बढ़ाते हैं अपन। अगर आपके पास एस्प्रेसो है और यार बूट स्पेस आपको इसमें छोटा लगता है तो इसकी सीट फोल्ड करके आप बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक सिस्टम हो जाएगा कि आप दो ही लोग बैठ सके। अब देखिए भाई ये है इसकी सीट फ्लैट, मतलब रिक्लाइन एंगल उतना ज़्यादा है नहीं, तो एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखा ना फोल्ड। तो ये देखो भाई ये सीट इसकी नॉर्मली जैसे आप फोल्ड करोगे तो एक तो ऊंची सी जाएगी, इसमें सामान वामान अगर रख दोगे तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ऊपर से ओवरऑल सामान रखने में। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ये वाला जो पूरा है भाई ये इसमें हो जाता है डिटैच। एक बार करना डिटैच जरा, ये देखो। वैसे यहाँ पे एक हिंज देना चाहिए था जिससे कि ये ऐसे सिंपली रखा जाए, बट फिलहाल अगर मैंने इसको हटाया जैसे तो ये पूरी हाथ में आ जाती है। एक बार बाहर निकाल के दिखा दो इसको, ये पूरी की पूरी अलग हो जाती है यहाँ से, आप है ना इसको अलग भी कर सकते हैं। बट आप इसको अलग कहाँ से संभालते फिरोगे, इसको सिंपली यहाँ पे ऐसी रख दो और इसको फिर पकड़ के और फिर इसको ऐसी रिक्लाइन कर लो बस। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप तो आ गया, ऊंचा हो गया, बट बूट स्पेस यार इसमें भर भर के आ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पॉसिबल है। जब आप सिर्फ दो लोग हो गाड़ी में और अगर दो से बिल्कुल भी ज्यादा है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ ये पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और है थोड़ा भाई, बहुत ही ज्यादा हेवी चीज हो ना तो आपको पता है यार मारुति की क्वालिटी कैसी है। ये जो है ये भी बहुत नरम है और भाई ज्यादा तीखी की चीज में फटाक से फट जाएगी, फटने में देर नहीं करेगी तो है ना, थर्मोकोल वाली गाड़ी है तो वो आप देख लेना आपके हिसाब से। तो अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है, कुछ एक्स्ट्रा बड़ा पार्ट अगर एस्प्रेसो में रखना है तो भाई आप ऐसे रख सकते हो। बाकी अब वापस से इसको अगर लगाना चाहते हैं तो सीट बेल्ट को पहले बाहर निकाल लेना इजीली, हाँ ऐसे थोड़ा ध्यान से बाहर निकाल लेना और फिर उसके बाद इसको कस के लगा देना। और फिर इसको अगर लगाना है जैसे यहाँ पे ये नीचे फ्यूल इंजेक्शन वगैरह, यहाँ पे इसकी पेट्रोल की टंकी, तो इसको लगाना एक बार। ये इसमें सीट कवर लगे हुए हैं, पहले इसको पूरा अंदर दबा देना, फिर यहाँ पे नीचे आपको एक आवाज आ जाएगी हिंजेस की। पकड़ना एक बार मोबाइल, टक करके ऐसी आवाज आ जाएगी तो ये मतलब समझ लो कि लग गया अच्छे से। अब भाई ये प्रॉपर नॉर्मल सीट हो चुकी है आपके वापस बैठने के लिए। और अगर आपको बूट स्पेस बढ़ाना है तो वो मैंने चीज़ इस वीडियो में आपको बता दी कि कैसे आप एस्प्रेसो में अपना बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हो। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।